यादव जी 11:30 बज गए हैं। 4 किलोमीटर से आने में 1 घंटा लग गया आपको। अरे सर, 1 घंटा क्या होता है, इतना समय तो हमारे गांव देहात में लोग खाना खाकर उबासी करने में निकाल देते हैं। वैसे मामला क्या है? यहाँ भी समय का ही मामला है। बात समझ में नहीं आई मुझे कि एक औरत जो सुबह अपने पति से लड़ाई करके बच्चे और सामान के साथ मायके जाती है, उसकी आधी जली हुई लाश उसके पति के घर पे कैसे मिली? सर ये तो सिंपल सा केस है, दहेज के लिए पति खुद ही मार दिया होगा। यादव जी, पति दिन भर घर से बाहर था और रात को होलिका दहन। तो क्या हुआ, उसने पहले अपने बीवी को जलाया होगा, उसके बाद होलिका दहन में गया होगा। पिछले साल भी कुछ ऐसे ही केस सामने आए। यादव जी, अब आप कोई दूसरा केस मत सुनाइए, इस केस पे फोकस करते हैं। इस औरत का 1 साल का कोई बच्चा भी था, इसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। एक काम करिए, अखिलेश से सविता और उसके बच्चे का फोटो निकलवाइए। सविता के मायके गयपुरा चलते हैं। लेकिन सर पहुंचते पहुंचते सवेरा हो जाएगा और कल होली है। ठीक है सर, चलते हैं। चलिए होली।